नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। भारत ने एक बहुत ही घातक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। जी हां साथियों, जितनी आसानी से हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही घातक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, इसे बनाने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें आई और साथ ही में ये मिसाइल पूर्ण रूप से भारत में ही बनाई गई है। तो क्या इस मिसाइल की विशेषताएं हैं और किस प्रकार से ये दुनिया में हमारे दुश्मन देशों के किलों को तोड़ने का काम करेगी, तो चलिए विस्तार में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथ हम सब जानते हैं कि किस प्रकार अमेरिका जैसा देश और रशिया जैसे देश अपनी मिसाइलों के दम पर पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं और पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाकर बोलते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर तो उनकी मिसाइलें ही रहीं। और रशिया से भी बात करें तो अमेरिका अपनी मिसाइल के दम पर पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करता था। और पिछले कुछ समय में जब रशिया ने अपने नए मिसाइल सिस्टम को बनाया था और पूरी दुनिया को बोला था कि आज हमसे आगे कोई नहीं, लेकिन भारत ने इन सारे भ्रमों को तोड़ दिया है और बता दिया है कि हाँ, हम भी पूर्ण रूप से भारत में दुनिया की सबसे घातक और बेहतरीन मिसाइल बना सकते हैं। ये घातक किस प्रकार है साथियों? मिसाइल सिस्टम, हम सब जानते हैं कि दुनिया की कोई भी मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो, अग्नि हो, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, किसी भी प्रकार की मिसाइल्स हो, उन्हें रोकने में कारगर होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में जैसे कि हमने S-400 खरीदा है या फिर आरएनडॉव जैसे मिसाइल सिस्टम है, ये सारे मिसाइल सिस्टम क्या करते हैं कि किसी भी देश की टेरिटरी की तरफ अगर कोई मिसाइल आ रही होती है तो उसे रास्ते में डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिटेक्ट करने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा काम हुआ है, जिस मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है वो है रुद्रम। और ये रुद्रम मिसाइल खास तौर पर इन सब डिफेंस सिस्टम को ही तबाह करने के लिए बनाई गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डिफेंस सिस्टम तो वो चीज़ होती है जो किसी भी मिसाइल को तबाह कर दे, तो डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाली मिसाइल किस प्रकार हो गई? साथियों, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किसी भी देश को अगर दूसरे देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति में, आप विश्व युद्ध की बात कर लें या अमेरिका की कई सालों की लंबी लंबी अलग अलग देशों में वॉर्स की बात कर लें, तो आप ये पाएंगे कि उन सब देशों के साथ युद्ध जीतने में अमेरिका या रूस इसीलिए कारगर हो गए क्योंकि इनके पास जो डिफेंस सिस्टम तबाह करने वाले सिस्टम बहुत बड़े थे। और वो सबसे पहले यही खेल खेलते थे कि किसी भी देश के किले को तोड़ दो, उसके डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दो, फिर अपनी एयर फोर्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से उसके सारे के सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तबाह कर दिया जाएगा। इसी के चलते भारत ने रुद्रम 2 को तैयार किया था और बहुत लंबे समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, कई बार फेलियर देखा, लेकिन डटे रहे, मेहनत करते रहे और DRDO ने आखिरकार ये मिसाइल सिस्टम दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, BDL और BEL के साथ मिलकर बना लिया है। इसका ट्रायल हो गया है और जल्द ही इसका एक फायर पावर का ट्रायल भी होने वाला है, जिसके बाद ये अपने आप में पूरी कंप्लीट मिसाइल पूर्ण रूप से भारत में बनी हो जाएगी, जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं, जो कि भारत को एज देंगे अपने चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के ऊपर, जो बहुत ही आसानी से इनको तबाह कर सकते हैं। एक बार इन देशों के डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए तो भारत की एयरफोर्स के लिए उनके अंदर तक जाकर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए अगर भारत चाइना जैसे देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला करना चाहता है तो चाइना अपने S-400 डिफेंस सिस्टम जो उसने रशिया से खरीदा है उसके माध्यम से उसको रास्ते ही में ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर भारत किसी भी न्यूक्लियर अटैक को करने से पहले अगर रुद्रम 2 से उसके डिफेंस सिस्टम्स को ही बड़ी लंबी रेंज तक तबाह कर दे, तो उससे ये होगा कि चाइना जब तक कि अपने दोबारा डिफेंस सिस्टम को वहां पर भेजकर डिप्लॉय करने में लगा रहेगा, उतने में हम अटैक करके चाइना को धराशायी भी कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी एज होगी। अब ऐसा क्या कारण है कि दुनिया में जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं उनको तबाह करने का काम तो मिसाइल्स करती, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम करते हैं, कोई भी मिसाइल होगी उसको एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर देगी? साथियों, कोई भी दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम रेडिएशन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है या फिर किसी मिसाइल की रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, फिर वो उसको तबाह करता है। लेकिन ये मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी खासियत है कि ये किसी भी आसपास के एरिया में अगर उसको जहां पर भी टारगेट करके भेजा होगा, पहले वो रेडिएशन को डिटेक्ट करेगी,
फिर क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम रेडिएशन को छोड़ते हैं तो इसको वो फिर एयर डिफेंस सिस्टम को ही जाकर तबाह कर देगी, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से वो रेडिएशन के माध्यम से जुड़ा होगा, और अगर वो किसी मिसाइल को डिटेक्ट करेगा तो वो पहले रेडिएशन को छोड़ेगा, फिर वो रेडिएशन को दोबारा एब्जॉर्ब करेगा, फिर ही उसे पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है। तो ये एक एंटी रेडिएशन सिस्टम है। दूसरी सबसे खासियत वाली बात है कि इसे एयर से सरफेस अटैक के लिए ही छोड़ा जा सकता है, मतलब कि भारत ने जो ये रुद्रम का टेस्ट किया है ये अपने फाइटर जेट Su-30 से किया है। तो ये एक एयर प्लेटफॉर्म से, भारत के जितने दूसरे एयर प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि तेजस हो गया या नए एयर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं एमका या TED-BF, उन पर भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये बहुत ही लंबी रेंज तक, ये 300 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने में कामयाब होगी। साथियों इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही जल्द 2022 के अंदर अंदर भारतीय सेना को जोड़ दी जाएगी और भारतीय सेना को इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि जितना भी चाइनीज बॉर्डर है गलवान क्लैश के बाद चाइना ने वहाँ पर अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं भारत की मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये भारत को एक बहुत बड़ा एज देगी। इसके अलावा रुद्रम का एक नया वर्जन भी बनाया जा रहा है जिसकी रेंज बढ़ाकर 600 किलोमीटर की जाएगी। साथियों इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर चाइना के अंदर डीप एयर स्ट्राइक करनी होगी या डीप अटैक करने होंगे तो वहाँ पर दूर दूर तक जो इसके डिफेंस सिस्टम होंगे उनको तबाह करने का ये काम करेगी रुद्रम, जो दूसरा वर्जन इसका बनाया जाएगा 600 किलोमीटर का, और ये भी एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म भी होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो ये एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से यूज़ की जाती है, दूसरा इसे बहुत दूर से अटैक के लिए छोड़ा जा सकता है, उसे ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी एयर जेट को भी डिटेक्ट करके उसको मार सकता है, तो ये बहुत दूर से डिप्लॉय की जा सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टीक वार करती है। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जितने भी सर्वेलेंस दुश्मन को आज के टाइम पे मारना है तो उसके सर्वेलेंस रडार ख़त्म कर दो, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ख़त्म कर दो, उसके डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दो, तो समझ लो कि किसी भी दुश्मन को मारने का काम आधे से ज़्यादा भी कम रह जाता है, फिर आप सिर्फ अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करके दुश्मन को हरा सकते हो। कुछ ऐसी ही रणनीति, चाणक्य नीति इस बार DRDO ने दिखाई है, और ये पूरी दुनिया को भी चैलेंज है कि देखिए अब हमें ये मत समझिएगा कि आपके ऊपर हम निर्भर हैं, आप उसका इस्तेमाल करके हमसे कोई भी काम निकलवा लेंगे, जी नहीं। अब रूस जैसे देश को भी ये क्लियर हो जाएगा कि हमसे घातक मिसाइल बनाने वाला भी कोई देश इस दुनिया में बैठा है जो कि भारत है, ठीक है। तो चलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।